कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक खत्म, चुनावी घोषणा पत्र को दिया गया अंतिम रूप, लोकसभा उम्मीदवारों पर भी हुई चर्चा। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का नारा दिया है। बीजेपी का 400 पार का नारा तभी सच साबित होगा जब बीजेपी दक्षिण के दुर्ग पर भी विजय हासिल कर ले। इसमें खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। बीजेपी इस बार इन तीन राज्यों में खाता खोलने की उम्मीद रख रही है और इसी के लिए पीएम मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी इन दिनों दक्षिण भारत के मिशन पर है और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश दक्षिण भारत के जरिए अपनी सीटों को बढ़ाने की है। उत्तर भारत में बीजेपी का प्रदर्शन पहले से भी अच्छा रहा है, लेकिन बात जब सीट इजाफे की आती है तो बीजेपी उन राज्यों पर फोकस कर रही है जहां अभी तक उसकी पकड़ मजबूत नहीं है। पीएम मोदी जनवरी से अभी तक 22 बार से ज्यादा दक्षिण राज्यों का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी का मुख्य फोकस तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु को साधने का है। चुनावों के ऐलान के बाद से पीएम मोदी लगातार दक्षिण राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले तीन महीनों में पीएम मोदी 7 बार तमिलनाडु, 4 बार केरल, 4 बार से ज्यादा तेलंगाना, 3 बार से ज्यादा कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हो सकता है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता, लेकिन एनडीए के 400 पार का लक्ष्य का रास्ता दक्षिण से होकर ही निकलेगा और बीजेपी का लक्ष्य दक्षिण में कम से कम 50 से 60 सीट जीतने का है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी ने दक्षिण में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण की जनसेना, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर से गठबंधन किया है। बीजेपी ने इसके साथ तमिलनाडु की पट्टाली मक्कल काची पार्टी के साथ गठबंधन किया है। पार्टी अध्यक्ष अंबुमणि रामदास का कहना है कि पीएम मोदी के काम से प्रेरित हैं और देश के विकास में सहयोग के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। दक्षिण में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने के साथ रोड शो भी कर रहे हैं। पीएम मोदी इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी के लिए प्रचार कर चुके हैं। दक्षिण भारत के लोगों को अपनी संस्कृति से बहुत लगाव, साथ ही वहाँ के समाज में महिलाओं का विशेष स्थान। पीएम मोदी अपनी जनसभा में दोनों मुद्दों को उठाकर विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला कर रहे हैं। कर्नाटक की इस धरती के लिए क्या कहा था कुवेंपुजी ने? कहा था मंत्र कणा, शक्ति कणा, ताई कणा, देवी कणा। उन्होंने कर्नाटक माता को भी शक्ति के रूप में देखा था। इंडी अलायंस के लोग अब इसी शक्ति को कुचलना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। इन्हें मां भारती की बढ़ती हुई शक्ति से नफरत हो रही है। इन्हें भारतीय नारी का उत्थान अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें भारतीय नारी का सशक्तिकरण पसंद नहीं आ रहा। शक्ति पर वार का मतलब है देश की माताओं, बहनों, बेटियों पर वार। शक्ति पर वार का मतलब है नारी कल्याण की योजनाओं पर वार। बीजेपी के लिए दक्षिण का किला भेदना बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी इस किले को भेदने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर पीएम मोदी दक्षिण में कमल खिला सकने में सफल रहते हैं
तो भारतीय राजनीति में पीएम मोदी का कद अभी तक के सभी नेताओं से सबसे बड़ा हो जाएगा। दक्षिण में विजय पताका फहराए बिना बीजेपी मिशन 400 पार पूरा होना कठिन है। पीएम मोदी ने जिस तरह दक्षिण के राज्यों में मोर्चा संभाल रखा है, उससे उम्मीद की जानी चाहिए बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी नेटवर्क। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। प्रखर सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। और मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। प्रदीप जी, वैसे तो ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन लगता है कि बीजेपी के 400 पार का जो रास्ता है वो दक्षिण से होकर निकलेगा। और आदरणीय मनीष गुप्ता जी को प्रणाम और साथ ही प्रवक्ता कांग्रेस के उनको भी प्रणाम। देखिए, संपूर्ण भारत है और लोकसभा चुनाव कोई 543 सीट्स के लिए होते हैं और उसमें कोई पार्टी स्वतंत्र है कहीं से भी अपने चुनाव को लड़ने के लिए और कहीं से भी अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने के लिए। 272 के ऊपर जब सीटें होती तो आपको बहुमत मिलता है। ये बात अकाट्य है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो पूरी तैयारी से रहता है और पूरे प्लान से रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं को ध्यान में रख करके, तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं ज्यादा फोकस कर रहे हैं कहीं कम कर रहे हैं। संपूर्ण भारत हमारा है, संपूर्ण भारत की जनता हमारी है और संपूर्ण भारत से आने वाले लोग भी हमारे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बार क्या दक्षिण करके रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा कमल बहुत पहले ही दक्षिण में खेल चुका था और अगर वोटों के प्रतिशत को देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा प्रतिशत रहा है और नई जनरेशन जो नए मतदाता। लेकिन प्रदीप जी अगर 2009, 2014 और 2019 के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है सर। 14-19 परिवर्तन प्रकृति का नियम है, 24 के आंकड़े कुछ और होंगे, 24 के आंकड़े कुछ और होंगे। मैं जो बात कहना चाह रहा था कि देखिए, इस समय नए मतदाता हैं वो क्षेत्र और भाषा के नाम पे बटे नहीं हुए हैं। आज जो कश्मीर का लड़का बच्चा देखता है जो अपने लिए सपने सजाए है, वही कन्याकुमारी का, वही चेन्नई का भी बच्चा वही सपने सजाए हुए है। तो संपूर्ण भारत को मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जो प्यार पह रही है वो पसंद है। अब आप इसके लिए तो ये तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि हम कह सकते हैं कि अभी तक जो है मोदी जी की सारी रैलियां उधरी हो रही हैं या ऐसे, लेकिन आपको नहीं। चलिए कुछ राज्यों पर अगर बात कर लें कि जैसे तमिलनाडु में आपने पीएमके के साथ हाथ मिलाया, उसे गठबंधन में शामिल किया, लेकिन एक तो वो पार्टी राज्य में चौथे नंबर की पार्टी है, 5 विधायक उसके जरूर हैं, लेकिन पिछले चुनाव में उसने कोई कमाल नहीं किया, तो इस बार साथ आकर क्या कमाल करेंगे तमिलनाडु में, क्योंकि पिछली बार तो आप भी जीरो पर थे। अगर इस लॉजिक पे देखा जाए तो बहन मायावती जी जब उत्तर प्रदेश में संपूर्ण बहुमत से आई थी तो किसी का भी कैलकुलेशन नहीं चल रहा था कि वो कौन से नंबर पे है या कैसे है, लेकिन उनको संपूर्ण बहुमत मिला था। तो भारतीय राजनीति में अभी आप देखिए कि 19 वाला जो चुनाव हुआ था तो वहां पे क्या स्थिति थी, और जब ये 24 के चुनाव के पूर्व विधानसभा के जो चुनाव हुए थे कर्नाटक में तो क्या स्थिति थी। तो ये कहना देखिए, निश्चित तौर पे असमंजस के दौर होते हैं, लेकिन हाँ, तमिलनाडु में तो एक और स्थिति मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि 2014 में आप 9 उम्मीदवार उतारते हैं, एक जीतता है, 19 में आप 5 उम्मीदवार उतारते हैं और 0 हो जाते हैं, मतलब उम्मीदवार बढ़ने की बजाय घट जाते हैं। अरे राणा साहब, देखिए बिना परिवर्तन के कुछ अच्छा नहीं लगता है। इस बार देखिए हमारे उम्मीदवार अच्छे होंगे और जीत के भी आएंगे, तो कभी कभी अगर चलिए ठीक है। प्रदीप जी, मैं थोड़ा सा आंकड़ों पर बात करता हूं। पिछली बार 303 सीटें बीजेपी ने जीती, इस बार 370 का लक्ष्य बीजेपी के लिए, यानी कि 67 सीटें चाहिए, यानी कि 67 सीटें चाहिए। अगर आप साउथ पर भी फोकस कर रहे हैं तो उसके आधार पर ये 67 सीटें कैसे जुटेंगी, मैं इस गणित को थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं। अब राणा जी देखिए, आप किसी जो है खिलाड़ी से या किसी जादूगर से आप पूछे कि अपने जादू का मैजिक को डिस्क्लोज करो, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम,
हमारा जो सर्वोच्च नहीं, इसीलिए जो हमारा मैं तो पार्लियामेंट्री, पार्टी के नेता से बात कर रहा हूँ, जादूगर से बात नहीं कर रहा हूँ। अरे तो हम अपने वो जो तिजोरी क्यों खोलेंगे, हम अपनी जादूगरी बुट्टी खोल देंगे तो कंपटीशन का पता नहीं चल जाएगा। अच्छा, तो आपको देखिए डर लग रहा है कि समय कहीं है, प्रखर जी समय आपका वाला फॉर्मूला चुरा डर ना नहीं, ले। डर की बात नहीं है, डर की बात नहीं है। आप कभी भी कॉपीराइट अगर लगा दुश्मन दीजिएगा। विपक्षी विपक्षी है तो विपक्षी स्वतंत्र है, जो नियम और कानून भारतीय संविधान हमें देता है वही नियम और कानून भारतीय संविधान उन्हें भी देता है। वो अपने आजमाए, वो किसी को धुतकारे नहीं, जनता उनकी बात सुनेगी। यहाँ तो देखिए जनता जनार्दन है ना, सारे आंकड़े फेल हो जाते हैं जब जनता का मन बदलता है। अब आप दिल्ली में इससे बड़ा उदाहरण तो कोई नहीं पाएगा कि सात की सातों लोकसभा सीटें हमारी होती है, वही दो तीन कम 70 की 70 सीटें दूसरी पार्टी को चली जाती हैं। तो भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि भाई अपनी अपनी प्लानिंग, आप बताइए 2015-16 में आम आदमी पार्टी की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन वो जीते, जनता का आशीर्वाद था। उसी प्रकार से यही इसी रूल से इसी एनालॉजी से तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते ठीक हैं। है ठीक और है ठीक है राज ठीक है। राजनीतिक जी हाँ ठीक है। प्रखर जी, कितना मुश्किल लग रहा है इंडिया गठबंधन के लिए 2024 का चुनाव, क्योंकि आपकी तरफ आने वाले नेताओं की संख्या कम और आपकी तरफ से जाने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है, और जहां मजबूत आप हैं अगर दक्षिण में देखा भी जाए तो उसके आधार पर भी अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहीं के दौरों पर हैं, और उनका कहना है कि देखिए ये पिछली बार बात वोट शेयर बढ़ाया था तो इस बार सीटें बढ़ेंगी डबल डिजिट में। देखिए देखिए प्रधानमंत्री जी लगभग 22 बार साउथ के स्टेट्स में जा चुके हैं, मणिपुर एक बार नहीं गए, लद्दाख में जो स्थिति चल रही है उसमें एक बार नहीं गए। पर नरेंद्र मोदी की बात मत करिए, नरेंद्र मोदी जी अब जैसे कल उन्होंने अपने मंच से क्या बोला, उन्होंने बोला कि नारी शक्ति के लिए मैं जान लगा दूंगा। अरे भाई बृजभूषण सिंह के ऊपर तो कोई कार्रवाई आप करते नहीं है, तब आप कहते हैं नारी शक्ति के लिए जान लगा दूंगा। जब आपके यहां बनारस में तीन बच्चे जो आपके आईटी सेल के हैं जो वैसी घटना करते हैं, और एक महीने तक एफआईआर में लिखी जाती है, आपकी बुलडोजर पॉलिसी जब फेल हो जाती है तब आपको नहीं याद आता है, तब आप नहीं कहते हैं कि भाई नारी शक्ति के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जब हमारी पहलवान बेटियां बैठी हुई थी आपके यहां से कोई नहीं आया मिलने, नहीं, प्रखर जी उनका हम राइट टू थोड़ा सा प्रोटेस्ट सब्जेक्ट आपने से छीन भटक लिया। जाएंगे। और दूसरी बात, अब उस पर आते हैं कि मैं आप उन तो बात आंकड़ों पर कहते बात हैं, करना चाहता हूं देखिए जो 2024 के चुनाव को लेकर है। नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूं 400 की बात कर रहे हैं तो जुमलों का कोई जवाब थोड़ी दिया जाता है, कुछ भी बोले 400 नहीं तो क्या है, तो आपने भी तो कोई 500 तो टारगेट पूरा रखा होगा 500 ना, साल आपका बोल रहे टारगेट हैं। क्या है हमारा प्रखर? टारगेट जनता सेट करेगी। देखिए देश में 44% युवा है जो 25 साल से कम का है, वो बेरोजगार है। इस देश में 80 करोड़ लोग हैं जो, और जो देखिए मिडिल क्लास को इस देश में राशन नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी को राशन मिल रहा है, उसका एक क्राइटेरिया है। 80 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं है, भारतीय जो सरकार है वो दे रही है राशन, तो वो हमारे लिए वोट करेंगे। ऐसी स्थिति बना दी है उन्होंने, इस देश का किसान हमारे लिए वोट करेगा जिसको ये राइट टू प्रोटेस्ट भी छीन लिए हैं। क्या हुआ किसानों के लिए, आप किसानों की बात नहीं सुनते हैं? पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते थे जब जब चीफ मिनिस्टर थे, आज क्या हो गया? वही एमएसपी की बात करते थे मोदी जी, आज एमएसपी पर शांत है, आज इनके सारे नेता शांत है। तीन काले कानून वाले लाने वाली भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए क्या कर रही है? तो ये जितना भी बोल रहे 200 पार 400 पार साउथ में हम जा रहे हैं और ऐसा कर लेंगे, अरे तेलंगाना हारने के बाद इनके पास साउथ के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की बात करती है, जुमलों में उनको पूरा 500 बोलना चाहिए। जब ऐसा ही बोलना है हाइपोथेटिकली तो कम क्यों बोल रहे हो भाई, पूरा बोल दो 500। तो क्या लगता है, मैं थोड़ा सा और टॉपिक पर आते हैं, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, मतलब दक्षिण में भी लगभग लगभग सभी जगह गठबंधन तैयार हो चुका है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए चुनौतियां क्या? इंडिया गठबंधन बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसका जो गठबंधन है उसको हराने जा रहा है। देखिए इस देश में जो बेरोजगार हमारे लिए वोट देगा, हमने बोला रोजगार, हमने क्योंकि नारी शक्ति के प्रखर लिए जी बोला, ये खाली 2019 बात में करते हैं, हमने बोला कि जो नहीं तो प्रखर जो जी मैं वही 50 बता परसेंट रहा आरक्षण देंगे नारी प्रखर जी 2019 में जो आपने अपने घोषणा पत्र में बातें कही थी लगभग लगभग वैसी ही बातें इस बार भी आप कर रहे हैं, तो पहले और अब में फिर क्या बदलेगा जिससे जनता प्रभावित होगी? देखिए पहली बार जब ये सरकार 2014 में आए, लगभग 60 सालों तक इनको हराते हुए आए, 2014 में जब ये सरकार में आए तो उन्होंने बहुत सारी बातें करी, हमको भ्रष्टाचारी बोला, बोला कि इतने सारे आरोप लगाए। इन्हीं की सरकार की सारी जांचों में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है,
कोई कन्विक्शन नहीं हुई, जितने हमारे ऊपर घोटालों के आरोप लगाए थे। उसके बाद 2019 में आए, इन्होंने कहा अरे अरे पहले तो पुलवामा की आज तक जांच नहीं करी है, पुलवामा हुआ उस पर बोलने लगे, उसके बाद इन्होंने फिर आरोप लगाए। मैं घोषणा पत्र की बातों पर आना चाहता हूं प्रखर जी, 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 मुझे फिर मनीष गुप्ता के पास जाना है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर पहले भी यही वादे थे आपके, इस बार भी यही है, तो जनता प्रभावित कैसे होगी? पुलवामा की जांच को लेकर आपने इस बार भी कोई वादा नहीं किया, पहले भी कोई नहीं किया था कि आपकी सरकार आएगी तो जांच होगी या नहीं होगी, तो मैं उस मुद्दे को छोड़ देना चाहता हूं। मैं सिर्फ उन पर आना चाहता हूं कि आखिर उनसे कैसे प्रभावित होगी जनता। मैं नहीं, जनता कैसे प्रभावित होगी? 400 रुपए का सिलेंडर हमारे टाइम पर था, आज के टाइम पर 1100 रुपए का मिल रहा है, कंपेयर करेगी ना जनता? नहीं, यही तो मुद्दे पिछली बार भी थे ना जनता के सामने। प्रखर जी, प्रखर जी, झूठ बोल के आए, प्रखर जी, 400 रुपए का सिलेंडर दे, प्रखर जी, यही मुद्दे पिछली बार भी जनता के सामने थे, पिछली बार भी आपने यही वादे किए थे कि सिलेंडर कम हो जाएगा, न्याय योजना के तहत महिलाओं को और लोगों को फायदा मिलेगा। सुनिए तो, दो बार ये जीत गए 14-19, बट बंद घड़ी भी दो बार सही समय दिखा देती है, इसका मतलब ये नहीं कि 24 में वही होने जा रहा है। जनता ने मन मना लिया और इसको इस बार निकाल देंगे। ठीक, बिल्कुल, इस बार आप सटीक तर्क पर आए हैं। मनीष गुप्ता जी, क्या बीजेपी के लिए 400 पार का रास्ता दक्षिण से निकलना उतना संभव दिखता है जितना बीजेपी मान रही है? देखिए, 400 पार एनडीए को करना है, बीजेपी को नहीं करना, जहां तक 370 बीजेपी को करना है। हाँ। और उसके लिए आपको साउथ से 50 सीटें लानी है। अगर 50 सीटें आप साउथ से ले आएंगे, जिसमें से उड़ीसा शामिल नहीं है, उन 5 क्षेत्रों से है स्टेट में, उड़ीसा शामिल नहीं है। आपको अगर उड़ीसा से जो एक्सपेक्टेड सीटें पिछली बार को रिपीट करेंगे, इस बार जो बीजू जनता दल है वो भी साथ है, तो आपका बजट वहां से काफी पूरा होता है। अब यहां से 50 में से 25 तो पिछली बार कर्नाटका सही आई थी, वो तो रिपीट करेंगे, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर पहले भी घटा नहीं था। ठीक है, आप बाकी देखिए, जिस तरीके से तेलंगाना में बीआरएस के टुकड़े हुए, इन्होंने टाई अप किया, पवन कल्याण साथ आए, इधर चंद्रबाबू नायडू साथ आए, तो इनकी स्थिति ठीक होती है। इसके बाद जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है तमिलनाडु और केरला। तो स्पेशली केरला, तमिलनाडु की बात करूंगा, यहाँ जिस तरीके से अन्नामलाई ने काम किया है, इतना जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस है कि इवन AIDMK, अन्ना DMK उनसे परेशान है, वो कहती है अगर आपके साथ हमें टाई अप हमें करना है तो अन्ना डीएम को, अन्ना मलाई को हटाना है, और बीजेपी ने इसके लिए मना कर दिया। यानी अन्ना DMK इस बार अलग लड़ेगी, तो ये बीजेपी के लिए एक तरीके से ड्रॉबैक। लेकिन जितनी एग्रेसिव बात कर रही है बीजेपी, लगातार साउथ के लोगों को भारत रत्न देना, साउथ में लगातार बार बार ट्रेवल करना, रैली करना, इसके बाद सेंगोल परिक्रमा में साउथ के पुजारियों को बुला के देश भर में उसका जो मीडिया में रिव्यू रहना, उसके बाद बड़े बड़े जितने जैसे जे कुरियन है, इन सबको पद्म पुरस्कार दिए गए, निर्मला सीतारमन खुद चुनाव लड़ेंगे, साउथ के विजय शेखर खुद चुनाव लड़ेंगे, चंद्रशेखर खुद चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे साउथ के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ेंगे, मनोज जयशंकर चुनाव लड़ेंगे। तो चाहे ना, अगर वो अपनी अपनी सीट निकालने लगे तो तमिलनाडु में बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। देखिए, हम ये समझ लें, तमिलनाडु भी 87% हिंदू स्टेट है, और बीजेपी हिंदुत्व के वोटों पर जीतने वाली पार्टी है। अभी उन्होंने तमिलनाडु दक्षिण से काशी को जोड़ो एक अभियान चलाया था। क्यों चलाया था? इसलिए चलाया था कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को भावनात्मक रूप से जोड़ देना। आप काशी के प्रदीप जी बैठे हुए इस बात को वाउच करेंगे कि काशी में जो सबसे ज्यादा धर्मानुयायी आते हैं वो दक्षिण भारत से आते हैं, और वो कोई भी बनारस को बनारस नहीं कहता है, कोई भी वाराणसी नहीं कहता है, वो सब काशी बोलते हैं, क्योंकि काशी उनके लिए काबा के समान है, जैसे मुसलमानों के लिए काबा है वैसे उनके लिए काशी है, क्योंकि साउथ इंडिया मेजरली शैव स्टेट है, यहाँ शैव धर्म के लोग ज्यादा हैं, और बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस यानी काशी शैव धर्मानुयायियों का एक सबसे बड़ा स्थान है। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर लगातार कई सारी 20,000 करोड़ की विकास योजनाओं का
शुभारंभ कर चुके हैं, एक नया शानदार हवाई अड्डे का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, त्रिशूर में जबरदस्त रोड शो किया। इस त्रिशूर के रोड शो में 2 लाख महिला कार्यकर्ताएं शामिल थी। ये 2 लाख महिलाओं का होना का मतलब है कि ये सीट और आसपास की 3-4 सीटों पर लगभग जीत पक्की होना। बिल्कुल, लेकिन मनीष गुप्ता जी, मेरा सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश में 2 पार्टियों के साथ गठबंधन में, जिनमें से एक पार्टी को 3 सीटें और एक को 0 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में, इस बार अगर उनके साथ गठबंधन में भी हैं और आंध्र प्रदेश में बीजेपी 0 पर थी ही, तो इस बार वो कमाल कैसे होगा कि वहां से 8-10 सीटें निकल कर आ जाएं? आपने के शर्मा जी रामायण तो देखी होगी ना, राम जी की सेना चली तो बानर, उन्होंने बानर सेना बनाई थी जो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो जो छोटी पार्टियां हैं, आज बहुजन समाज पार्टी भी नॉर्थ में छोटी पार्टी दिख रही है, आज आज ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी छोटी पार्टी है, आज मुकेश सहनी की पार्टी छोटी पार्टी है, आज राज ठाकरे की मनसे भी छोटी पार्टी है, लेकिन भाजपा इन सबको भी जोड़ रही है। ये मैसेज है, ये मैसेज बड़ा स्पष्ट और क्लियर है कि हम एक एक को पकड़ेंगे तो हमारा काम बनता चलेगा। जहां हमारे पास 10% वोट है, किसी के पास 3, किसी के पास 4, किसी के पास 2, पर हम तीनों को जोड़ लेते हैं हमारे पास 70% वोट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति पर है। लेकिन आपने आपने अगर बिहार साइड की बात करी थी तो पशुपति पासवान नाराज हैं। हाँ, ये बात सच है, मुझे लगता है उनको मनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा होगा, लेकिन उनके पास सीट तो कोई बची नहीं ना उनको देने के लिए। देखिए एक और बात है, जरूरी नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा में मौका मिल जाएगा, लेकिन मैंने खबर ये सुनी है कि अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन कर ले। देखिए राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन ठीक अब क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से बीजेपी का प्रयास ये है कि हर जगह अच्छा प्रदर्शन किया, साथ में पूरी ताकत लगाई जाए। बिल्कुल प्रदीप जी, चिराग पासवान, पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि उनके पिता के निधन के समय पर उनका जो मंत्रालय वो चिराग पासवान को दिया जाएगा, लेकिन एमएलए की संख्या पशुपति के पास ज्यादा थी इसलिए उनको मंत्रालय दिया गया, उनको पार्टी में रखा गया। इस बार उल्टा हो गया है, तो कहीं ये वाला मैसेज महाराष्ट्र तक तो नहीं चला जाएगा कि आज शिंदे और अजीत पवार साथ हैं, कल हो सकता है कि शरद पवार और शिवसेना के दूसरे वाले उद्धव ठाकरे साथ आ जाए। देखिए राणा जी, बिहार और महाराष्ट्र में बहुत दूरी है और विधानसभाओं के जो मतदाता हैं उनके एस्पिरेशंस जो होते हैं वो अलग होते हैं। अब अगर आप ये पशुपति नाथ जी भी कहें तो वो नाराज हो कि नहीं गए, उनके स्टेटमेंट को आपने ठीक से सुना नहीं। अवेलेबल ऑप्शंस उनको दिए गए थे, वो स्वतंत्र भारत के एक नागरिक है, ऑप्शंस उनको पसंद आए ना आए ये वो एकदम से स्वतंत्र है उसको स्वीकार करने के लिए, कोई उनका थोपा नहीं। आप एक बार बता दीजिए ना, आप एक बार बता दीजिए क्या ऑफर दिया गया। अब सर आपने देखा है निश्चित तौर पे उनके, आप ऑफर की बात छोड़िए, उन्होंने आखिरी सेंटेंस एक तो उनके पांच के पांचों सांसद उनके साथ थे नहीं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह देता है। दूसरा, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया आदरणीय मोदी जी का, ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें देखने की। लेकिन उनका ये भी कहना है कि मेरे साथ नाइंसाफी की गई है, उनका ये भी कहना है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको क्या जवाब दूंगा। ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कुछ कहना और रियलिटी में कुछ होना, ये आप शायद मेरे से अच्छा आप जानते हैं राणा जी। तो मैं इतनी जल्दीबाजी अभी अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उनकी स्थितियों को बदले हुए, अभी ये प्री मेच्योर होगा बहुत जल्दी कुछ कह देना कि इतनी जल्दी हम किसी कंक्लूजन पे आ जाए। 6 घंटे में बहुत कुछ बदल जाता है, 5 घंटे में बहुत कुछ बदल जाता है, और उस पर बहुत जल्दी कुछ कहना एक जल्दीबाजी होगी। ठीक है, चलिए प्रदीप जी, एक और सवाल आपसे कि जो बात अभी मनीष गुप्ता ने कही कि छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर चल रहे हैं, यानी कि राम जी की सेना की तरह चल रहे हैं, तो क्या इसी के आधार पर पार लगा जाएगी बीजेपी जो आंकड़ा खुद के लिए और जो एनडीए के लिए सेट किया है? ये देखिए, मनीष जी ने अपने पूरे वक्तव्य में बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से पूरी लोकसभा की सीटों को बांट करके बताया। देखिए, छोटी छोटी कणों से मिल करके बहुत बड़े चट्टान बन जाते हैं और बूंद बूंद से सागर भरता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, निश्चित तौर पे जो लोग विपक्ष में हैं उनको हमारी प्रगति और देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती है। आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए तो बस इतना ही कहना काफी है
कि 2013 से पहले, 2014 से पहले जिस प्रकार के दंगे होते थे, जिस प्रकार के बम फूटते थे, क्या उस प्रकार का कोई एक भी बम फूटा क्या? नहीं हुआ। कोई छिटपुट को छोड़ करके क्या कोई बहुत बड़े दंगे हुए क्या? नहीं हुए। आप देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा, इतनी जो है विविधताओं का प्रदेश है, लेकिन फिर भी इस लेकिन उन्नाव और हाथरस मैंने देखा था, मुझे याद है कुछ कुछ, शायद आपको भी होगा। मैं निश्चित तौर पर हमें याद है, लेकिन ये जो सांप्रदायिक दंगे होते थे जिसमें अनजान लोग, निरीह लोगों का बड़ा नुकसान होता था। प्रदीप जी, आप सांप्रदायिक, आप ये बताइए क्या बात बदलने की बात नहीं है? क्या सांप्रदायिक दंगे हुए? हमारा देश कितना झुलसा रहा है सांप्रदायिक दंगों में, आज चाहे गरीब हो या अमीर, कम से कम इस बात का तो डर नहीं रहता है ना उसको कि कहीं बम फूट जाएगा या सांप्रदायिक दंगे होंगे। ठीक है ठीक है, समय भी कम है। प्रखर जी, उनका तो ये कहना है कि छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर एक बड़ा वोट बैंक हम अपने पास ले लेंगे और राम जी की सेना चली वाली कहानी को सार्थक कर देंगे और इसी तरह हम रावण को हरा देंगे। पहली बात तो ये राम जी की सेना नहीं है, कौरवों की सेना है। ये जिसको जिसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं उसको अपने आप लेते हैं और उसके बाद बड़े बड़े पद देते हैं, तो ये बिल्कुल अपने आप को राम जी से कंपेयर मत करे। और अगर राम जी की सेना है तो संजय निषाद आपके मंत्रिमंडल में क्या कर रहे हैं जिन्होंने राम जी के ऊपर, दशरथ जी के ऊपर इतनी खराब बात बोल दी थी? तो देखिए डबल स्टैंडर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप जी बोल रहे थे कि दंगे कहां होते थे। अरे भाई कुछ दिन पहले जाइए हरियाणा में क्या हुआ था, वो दंगे आपको दिखाई नहीं पड़ रहे थे? किस तरीके से तोड़फोड़ हुई गुड़गांव जैसे शहर में? नहीं, किसकी सरकार है वहां? किसकी सरकार है वहां? बिल्कुल आगे बंद कर लेंगे अपने, मतलब कि कुछ हो, मतलब कि अपनी बात बिल्कुल खा जाएंगे। महिला की घटना सबसे ज्यादा आपके प्रखर जी, आपके नेता सबसे ज्यादा पाए गए महिलाओं के, उसमें क्या बातें कर रहे हैं? अभी आपके बीजेपी के सांसद का वीडियो निकल के आया यूपी का, बाराबंकी का। तो प्रदीप जी देखिए, आपने आपको पहले कुछ बोलने से पहले डिबेट में पहली बार देख लीजिए समय भी कम है मेरे पास। मनीष गुप्ता जी, लास्ट कमेंट आपसे कि आखिर 400 पार का ये आंकड़ा कितना मुश्किल, कितना आसान, और इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां क्या? लास्ट कमेंट। देखिए राणा जी के जुमलों की कोई बात ही नहीं। हाँ नहीं, प्रखर जी, प्रखर जी, मेरा मेरा सवाल मनीष गुप्ता से, समय कम है। मनीष गुप्ता जी लास्ट कमेंट, 30 सेकंड। मनीष गुप्ता जी सुन पा रहे हैं? शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और यह तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन बीजेपी ने जो एनडीए गठबंधन के लिए 400 पार सीटों के आंकड़े को रखा है और बीजेपी के लिए 370 का, और जिस तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत कर रहे हैं और पूरे तन मन के साथ लगे हैं साउथ में, अगर 129 सीटें 5 राज्यों की वहां हैं और जिन पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का है, 120 घंटे उन्हीं राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजार रहे हैं चुनाव प्रचार को लेकर। अब ऐसे में यह है कि आखिर कितने सफल हो पाते हैं आंध्र प्रदेश में सीटों को बढ़ाने में, उसमें खाता खोलने में, केरल में।